YouTube चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो भी मेरे शॉपिंग हॉल के बारे में है, जिसमें मैंने जो है वो लॉकडाउन में जो है रहते हुए भी मैंने शॉपिंग कर डाली। और जो है वो मैं तो बाहर जाने वाली हूँ नहीं ना, क्योंकि तो मैंने जो है वो लॉकडाउन में भी इतनी सारी शॉपिंग कर डाली। जैसे ही जो है वो थोड़े बहुत जो है मार्केट्स खुली, तो मैं फ़ौरन से भाग गई और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी और जो चीज़ ख़त्म होने वाली थी उनको जल्दी से मैंने जो है वो स्टॉक कर लिया, दोबारा से खरीद लिया। और जी हाँ, तो मैंने 10,000 रुपये में जो है वो क्या क्या ख़रीदा है। तो जनाब, शुरू करते हैं बात चेस से। और चेस तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि चेस और इम्तियाज़ में जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किसी जादुई दुनिया में आ गई, क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रोडक्ट्स रखी होती हैं कि मेरा दिल मचलना शुरू हो जाता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तो मैंने जो कुछ भी ख़रीदा है वो चेस से ख़रीदा है, और नीपा वाले चेस से ख़रीदा है। तो ईज़िली जिन लोगों की भी रिहाइश वहाँ पर है करीब करीब में, तो वो लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन की। तो मैंने पिछले वाले 10,000 रुपये जो खर्च किए थे उसमें भी सनस्क्रीन ख़रीदा था, और अभी वो चल रहा है। और चूँकि लॉकडाउन था तो मैं घर में ही थी, मैं ऑफिस नहीं इतना जा पा रही थी, तो इस लिहाजा वो बच गया बेचारा। और लेकिन मैंने फिर भी जो है वो न्यू अपना सनस्क्रीन लाकर जो है वो स्टॉक में कर लिया है, कि भाई कुछ नहीं पता हालात का, अगर दोबारा से लॉकडाउन हो जाता है और मार्केट्स बंद हो जाती हैं तो मेरा क्या होगा। तो मैंने जो है वो ख़रीदा है इस बार विंस का ये वाला सनस्क्रीन, जो कि है UVA प्रोटेक्टर विथ SPF 75। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको यूज़ करने के लिए। तो ये जो है ये कितने रुपये का, आई थिंक ये 1300 समथिंग का है, बट ये जो है आपको 80 ml देता है, जबकि लोरियल वाला जो है वो इससे ज़्यादा महंगा था और वो सिर्फ 30 ml था। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस आउट, और जो है मैं इसका रिव्यू भी ऑब्वियसली आपको दूंगी जब यूज़ करूँगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैंने क्या ख़रीदी है, वो मैंने ख़रीदा है ग्लैमरस फेस का ये फेस पाउडर, जिसका पीछा मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। तो ये जो है अभी ये भी बाकी था, बट मैंने जो है वो फिर से ख़रीद दिया ताकि ये ख़त्म होने से पहले ही मेरे पास अवेलेबल हो और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो है वो कुछ लैशेस के पेयर्स जो है वो मेरे बेचारे ख़राब होते जा रहे थे, और मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं लुक्स क्रिएट करूँगी तो लैशेस कौन सी लगाऊंगी, क्योंकि मार्केट सारी बंद थी। तो मैं जैसे ही गई तो मैंने जल्दी से लैशेस के पेयर्स भी ले लिए हैं, और इस बार मैंने कॉस्मी वालों की जो ये लैशेस ख़रीदी हैं। और ये इसका नंबर है 04, और ये वाला है 06, ये वाला जो है वो ज़रा ज़्यादा वॉल्यूम वाला है, और ये वाला है 02, जो कि बिल्कुल लाइटर सा वॉल्यूम है और बिल्कुल कैजुअल लुक्स के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने लिया है अपना रोल ऑन, जो कि है निविया का ब्लैक एंड वाइट इनविजिबल क्लियर। और जनाब, उसके अलावा मैंने लिया है रोज़ वाटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी फेस मिस्ट का एक एसेंशियल पार्ट है, और फेस मिस्ट के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। तो लिहाजा मैंने जो ये रोज़ वाटर भी ख़रीदा है ताकि मैं जो इससे आराम से अपनी फेस मिस्ट वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सकूं। और जी हाँ, अब इसके बाद चलते हैं कुछ बालों की तरफ, इनका भी ध्यान रखना होता है। तो लिहाजा मैंने लिया है हिमानी हर्बल का ये वाला कोकोनट ऑयल, और जो है ये कितने का है आई डोंट हैव एनी आइडिया, इसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है, जितने का भी होगा ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट ये मैंने चेस से नहीं ख़रीदा, ये मैंने एक आम लोकल शॉप से ख़रीदा है। सो यस, उसके अलावा मैंने ख़रीदे हैं अपने मोस्ट फेवरेट ये दो जो है अपने बॉडी स्प्रे, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये वाला तो कभी बेचारा मिलता ही नहीं है, ये तो किस्मत से ही मिलता है, और ये वाला मिल जाता है, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। ये इम्तियाज़ चीज़ दोनों जगह पर इजीली अवेलेबल ये वाला होप, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम रसासी, इसकी ब्रांड है रसासी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बारी थी, तो इसकी बारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई और अभी ईद भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि कुछ शीट मास्क भी ले लेते हैं। तो शीट मास्क के लिए मैंने लिया है सेंट आइफ के ये वाले शीट मास्क, एंड आई एम लविंग द पैकेजिंग। आप ज़रा पैकेजिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त है। सो आई होप कि ये ज़बरदस्त भी होंगे, मैं इनको यूज़ करूँगी और इनका रिव्यू ज़रूर आप लोगों को दूँगी। सो यस, ओ गॉड, थक गई मैं बोल के मगर अभी भी शॉपिंग बाकी है। तो जी हाँ, मैंने ख़रीदा है VLCC का ये पर्ल फेशियल किट, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी 1000 लोग देख चुके हैं। तो अगर आपको रिव्यू चाहिए और इस फेशियल का रिजल्ट चेक करना हो तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं एंड में एंड स्क्रीन लगा दूंगी। सो आप उसको क्लिक करके मेरा इस फेशियल का जो है वो रिव्यू देख सकते हैं। आई जस्ट लव 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 दिस, और मैं इसको पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया नाउ, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसके पीछे लग जाती हूँ और मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती।
तो उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग जो है VLCC पर्ल फेशियल किट का रिव्यू देखने के बाद मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप VLCC की ब्लीच क्रीम के भी रिव्यू कर दें प्लीज़। तो मैंने फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए VLCC की जो है वो ब्लीच क्रीम भी खरीद ली है। ये मैं पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, लिहाजा इसका रिव्यू करना मेरे लिए आसान होगा। तो मैंने दोबारा से खरीद लिया, अब जब मैं यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली कि मैं वीडियो जो है वो फिल्म करूँगी और आप लोगों को इसका रिव्यू भी दूँगी। तो जनाब ये तो सारी हो गई हमारी चेस की शॉपिंग और जो कि मैंने जो चीज़ें भी चेस से ख़रीदी थी, ठीक है। अब बारी है हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की। तो अभी जो है वेगास पे काफ़ी ज़बरदस्त सेल लगी थी, फ्लैट 40%, नेक्स्ट मेबेलिन और लोरियल पर। तो मैंने जो है वो क्या क्या ख़रीदा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ख़रीदा है लोरियल का ये अनफॉलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन, एंड अगेन दिस इज़ 24 आवर फाउंडेशन। तो इसका मैं ज़रूर यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू तो काफ़ी सारे लोग दे चुके हैं, बट ऑब्वियसली मैं जो है मुझे कैसा फील हुआ है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जब मैं इसको यूज़ करूँगी। और दिस इज़ इन द शेड पोर्सलिन, जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसकी सील भी लगी हुई है। और जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा वर्क करेगा मेरे लिए। और नेक्स्ट मैंने जो है वो मेबेलिन की चीज़ें ख़रीदी हैं। तो मेबेलिन का मैंने ख़रीदा है ये द कोलोसल मस्कारा विद 7x वॉल्यूम। यस, आई लव वॉल्यूम मस्कारास। तो ये वाला जो है मैंने ख़रीदा है, इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया है, अनपैक भी नहीं किया है। आज ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, मतलब वीडियो आप तक थोड़ा लेट पहुँचेगी बट मुझे आज ही पार्सल रिसीव हुआ है तो मैंने जो वो वीडियो बना दी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ख़रीदी है न्यू बेबी स्किन पोर ब्लर प्राइमर, इंस्टेंट प्लोर पोर ब्लर प्राइमर, एंड आई एम जस्ट लविंग द पैकेजिंग, इट्स वेरी 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 क्यूट। इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं और जो ये कह रहे हैं इन्होंने पैकेजिंग बिल्कुल वैसी बनाई है बेबी स्किन लाइक, सो इट्स जस्ट लाइक अ बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट इसकी पैकेजिंग, आई जस्ट लव दिस। ओके, उसके अलावा मैंने ख़रीदी है मेबेलिन की ये टैटू लाइनर पेंसिल इन द शेड स्ट्राइकिंग नेवी, और मैंने इसको जो है वो अब तक यूज़ तो नहीं किया बट इसका शेड है कुछ ऐसा, थोड़ा ब्लू है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस आउट। और मैंने क्या ख़रीदा है, बस तो ये मैंने ख़रीदा है 10,000 रुपये में, और मैंने फिर से जब वो 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा खर्च करने लग गई हूँ। मगर ऑब्वियसली जो है जिन मेकअप इज़ माई लाइफ, तो मेकअप और स्किन केयर पे तो बनता है यार। सो यस, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़े का लगा होगा ये वाला ट्यूटोरियल, तो नहीं था ये वाली वीडियो, और आपने इन्जॉय की होगी मेरी शॉपिंग। तो जी हाँ, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो यार थम्स अप, और जी हाँ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तो जी हाँ, रहिएगा मेरे साथ मेरी आने वाली न्यू वीडियो तक, और जनाब अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ, रहिएगा मेरे साथ, अटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।